यशपाल आर्य की वापसी से हरीश रावत का बढ़ा कद। हरीश के धुर विरोधी हरक सिंह और प्रीतम सिंह मिला रहे हाथ। उत्तराखंड कांग्रेस में वापसी फुटन तो सालों से चलती आ रही है, लेकिन यह रार अब और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। लिहाजा अब नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हरीश रावत के ही कट्टर विरोधी से हाथ मिलाते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत का कद काफी बड़ा है। भले ही वो 2017 में चुनाव के दरमियान कुछ खास जादू नहीं चला पाए, लेकिन पार्टी हाईकमान के साथ नजदीकियों के चलते आज भी उत्तराखंड में उनकी दखलंदाजी बनी हुई है। 2022 में वो उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर भी नजर आ रहे हैं। दरअसल चुनाव नजदीक आते ही हरीश रावत इतने सक्रिय हो गए हैं कि सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर भी वो करामात कर रहे हैं। एक करामात उन्होंने मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे की कांग्रेस में वापसी को लेकर कर दी है। यह प्रयोग हरीश के लिए काफी फायदे का सौदा साबित होता दिख रहा है। हाईकमान तक इसका अच्छा मैसेज जाना हरीश के कद को और भी बढ़ा देता है। फिलहाल दल विरोधी हरक सिंह रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का मिलना यह जरूर तय करता है कि प्रीतम भी कुछ बड़ा करने का मादा रखते हैं। बीते दिन हरक और प्रीतम की मुलाकात से प्रदेश की राजनीति का सियासी पारा तो चढ़ा ही है, तो वहीं इशारों इशारों में प्रीतम ने यह मैसेज भी दे दिया कि वो भी वापस से हाईकमान की सर आंखों पर रह सकते हैं। हरक सिंह रावत जी हमारे दल में रहे, हमारे मित्र हैं, इसमें कोई संशय कोई दोराय नहीं है। और राजनीति में अगर दल क्या नाम अलग अलग हो जाए मित्रता थोड़ी समाप्त हो जाती है, दिल तो एक होते ही है। नहीं, हरक सिंह रावत जी हमारे पुराने साथी, इसमें कोई संशय कोई दोराय नहीं है। अब जहाँ तक कहने की बात है वो वक्त पर छोड़ दीजिए, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन जब तक प्रीतम सिंह कुछ बड़ा नहीं कर देते तब तक हरीश रावत उनके राह पर रोड़ा यानी कि सपने सजोए प्रीतम मुख्यमंत्री की सीट से नदारत रह सकते हैं। फिलहाल बड़ा करने के कयास में प्रीतम सिंह हरीश रावत का कद कम करने के लिए जोर आजमाइश जरूर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून लाइव। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।